हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे प्लैनेट की। प्लैनेट जो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम खुद एक प्लैनेट पे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लैनेट क्या है। प्लैनेट इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट्स अ स्टार। इट इज़ स्मॉलर देन अ स्टार एंड इट डज नॉट मेक लाइट। प्लैनेट्स आर शेप्ड लाइक अ स्लाइटली स्क्वैश्ड बॉल एस्फ्रॉइड। देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि किसको रिवॉल्व करती हैं, स्टार को, या अपने नज़दीक के स्टार के चारों तरफ घूमती रहती हैं। यह स्टार से छोटी होती हैं और इनकी कोई लाइट नहीं होती। तो ये जो रिवॉल्व करती हैं ना अपने नज़दीक के स्टार का, इनका रीज़न ये है कि ये उस स्टार से क्या लेती हैं, हीट और लाइट लेती हैं। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ को सन से क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है, और इसलिए क्या करती है, इसके चारों तरफ घूमती हैं। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये पूरी तरीके से गोल नहीं होते हैं, ये अपने कोनों पर से थोड़े से दबे हुए होते हैं। आपने एप्पल देखा है, ये थोड़े से एप्पल शेप के होते हैं या थोड़े से दबे हुए होते हैं, पूरी तरीके से गोल नहीं होते हैं। चलिए तो बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। यहाँ पर हम सन की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। सन के यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, सन के सबसे पास के ग्रह से या प्लैनेट से। तो पहला जो सबसे नज़दीक का है वो है मरकरी, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर उसके बाद आता है अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। ठीक है ना, ये हो गया। ये सन से दूरी के अकॉर्डिंगली है, यानी सबसे नज़दीक का मरकरी और सबसे दूर का कौन सा है, नेपच्यून है। अब अगर हम बात करें इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज़ जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है, देन अर्थ, देन वीनस, देन मार्स एंड फिर मरकरी। मरकरी बहुत छोटा है। चलिए होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम फिर से बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक है इनर प्लैनेट जिसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, दूसरा होता है आउटर प्लैनेट जिसे गैस जाइंट भी कहा जाता है। आउटर प्लैनेट्स इसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है ना, और ये दूर भी हैं, जो हमारा सन है इससे दूरी पर भी पाए जाते हैं। जबकि हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ये सूरज के नज़दीक भी होते हैं और साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि ये अर्थ जैसे हैं, यानी कि ये रॉक से बने हुए हैं, इनका जो लेयर्स है वो ठोस है, गैसेस वाली नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। सॉरी, द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स जो हैं हेवनली बॉडीज होते हैं, ऑब्वियसली जो आसमान में हैं और हमारे मेनमेंट नहीं हैं तो वो क्या है, हेवनली बॉडीज हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इन प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा है किस पर डिपेंड करते हैं, स्टार पर डिपेंड करते हैं। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं ना इनको लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। जैसे रिचार्ज हो रहे हो, ये चार्ज होते हैं और फिर उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए ये अगर हम स्पेस से जाकर देखते हैं तो प्लैनेट चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सूरज से या अपने पास के स्टार से क्या मिलता है, लाइट मिलता है, ठीक है, और ये उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। सारे प्लैनेट्स जो हैं स्फेरिकल होते हैं शेप में। जैसे मैंने बताया ना, इनके जो कोने वो इनका जो शेप होता है थोड़ा एप्पल शेप का होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए ये जो है सन को एक पर्टिकुलर पाथ पर चलते हुए रिवॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ डॉट वाली लाइंस दिख रही हैं। ये डॉट वाली लाइंस जो हैं ये ऑर्बिट कहलाती हैं। ये उस पर्टिकुलर जो
उसके पास, जैसे यहाँ जुपिटर के आसपास जो लाइन दिख रही है ये जुपिटर का पाथ कहलाएगी और जुपिटर का ऑर्बिट कहलाएगी, और ये इसी पर ही चलते हुए रिवॉल्व करेगा, किसको, सन को रिवॉल्व करेगा। आपको पता है अगर ये अपने ऑर्बिट से हट जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये दूसरे किसी प्लैनेट के रास्ते में आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये दो प्लैनेट्स की टक्कर भी हो सकती है, जिससे एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। चलिए फिर, दे मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सूरज को ये सूरज की तरफ से कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। साथ साथ क्या होता है, जब ये सूरज के चक्कर लगा रहे होते हैं तो ये अपनी जगह पर भी घूम रहे होते हैं। सी, ये थोड़ा समझने वाली बात है। आपने कभी मोबाइल को देखा है, मोबाइल को अगर आप वाइब्रेशन पे रखते हैं तो वो मोबाइल अपनी जगह से तो हटता ही हटता है, लेकिन अगर आप उसको टच करेंगे तो वो खुद भी वाइब्रेट होता रहता है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी जो धरती है या कोई भी प्लैनेट होता है, जब सूरज के सराउंडिंग्स में घूम रहे होते हैं तो ये अपनी जगह भी क्या कर रहे होते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं, या अपनी भी धुरी पर या अपने ही जगह पर वो भी घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। ईच प्लैनेट्स टेक अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द सन एंड वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। देखिए, हर प्लैनेट जो है उसका अपनी एक्सिस पे घूमने का, यानी जिस जगह पर वो खड़ा हुआ है उस जगह पर अगर वो घूमेगा तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट होगी, ठीक है, और अगर वो सन को रिवॉल्व करेगा तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट होगी। लाइक आवर अर्थ, हमारी धरती अपनी जगह पर या अपनी धुरी पर घूमने के लिए कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है, जब वो सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसके लिए कितना टाइम लेती है, वो 365 डेज, ठीक है। तो उसका रिवॉल्यूशन टाइम क्या हुआ, 365 डेज हुआ, और उसका रोटेशन टाइम क्या हुआ, 24 आवर्स हुआ। जब प्लैनेट अपनी जगह पर घूमते हैं यानी अपनी ही जगह पर घूमते रहते हैं तो उस घूमने को क्या कहते हैं, रोटेशन कर कहते हैं। लेकिन जब प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमते हैं, सन के या किसी भी स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू।